इस संगीतमय वाइब्रेशंस में। तुम विराट की ओर चलना, तुम बियॉन्ड माइंड अपने अस्तित्व की खोज में उतरना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, पल पल जागे रहना, डायरेक्ट वॉच करना, अपनी ओर से कोई कोशिश कोई प्रयास को यत्न नहीं करना, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। यह भीतर का टेलीविजन जिसने देखा वो आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, मुक्त हुआ, इन सांसों के रहते रहते मोक्ष उपलब्ध हुआ। जिसने देखा माइंड के टेलीविजन को, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतर गया, वो बहुत रूपांतरण की क्रांति का प्रादुर्भाव कर गया। जो जो देखना स्वाभाविक होता चला जाएगा, आप स्वयं अनुभव करोगे उसकी बरसात को, अनुभव करोगे, खूब एनर्जी जनरेट होती चली जाएगी, एनर्जी ही एनर्जी का फ्लो उतरेगा, मस्त रसवान अमृतमय सौंदर्य से ओतप्रोत, मधुर सरल सहज माधुरी तुम स्वयं अनुभव करो। जो ही तुम थोड़ा माइंड से हटकर के जानो, तुम रसवान होते हो, तुम प्रकाशमान होते चले जाते हो, तुम स्वयं बहुत निर्भर अवस्था को अनुभव करते हो, फुली रिलैक्स्ड। स्टेट को अनुभव करते हो, आप स्वयं अपना अनुभव लेना, आप स्वयं अपने अनुभव से जीना। हम तुम्हें तुम्हारी ओर तुम्हें लगाने आए, तुम्हें जगाने आए, जताने आए, दिखाने आए, अपना हाल चाल क्या है जनाने आए। हमारी ओर नहीं लगना, अपनी ओर लगना, अपने से दूर मत जाना, अपने आप के साथ जुड़ते चले जाना, अपनी संभाल करना, अपनी सुरती संभालना, अपने स्वभाव में रहना, अपनी संभाल करना, अपना भीतर जगमगाना, तमाम अंधेरों को दूर करने की ये प्यास उठाना, प्रायोरिटी प्रदान करना, तम जागे जागे रहना, भूत भविष्य से वर्तमान की ओर, विराट की ओर आना, भीतर अपनी ओर जागे जागे रहने से तेरा सारा कचरा कमलवत होता चला जाता है। केवल जागना और कुछ करना नहीं, केवल अपनी सुरती में रहना, स्वाभाविक स्थिति में रहना, वैसे ही देखना जैसे बाहर की ओर देख रहा हो, जोर नहीं लगाना, क्योंकि हमने कछु देखना तो है नहीं अपनी ओर से, हमने कहीं देखना नहीं, किसी को देखना नहीं, कछु देखना नहीं, अपनी ओर से कुछ नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना, जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसी को देखना, फिर देखने में दुविधा क्या हो, जब करना ही कुछ नहीं, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई संसार नहीं पिरोना, कोई संसार निर्मित नहीं करना, हमने कोई अपनी ओर से काल्पनिक स्टेट नहीं बिठाना, तो फिर कैसा, क्या दुविधा है, क्या मुश्किल है मुलाकात अपने से, क्या मुश्किल है अपने से मिलन की घड़ी उतार लेना।
क्या कठिन है, अपने आप पर कृपा कर लेना, अपने अंधेरे दूर कर लेना, तुम स्वयं अपने स्वभाव में जगमगाते रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, तुम कनेक्टेड रहना देखने की क्षमता से। अरे मनवा, ओ माय माइंड, तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी निबेड़ अपने अंधेरे दूर कर ले, अपने को अंधकार से आजाद कर ले, अपना रूपांतरण कर ले, अपने मालिक की ओर थोड़ा जगमगा ले, थोड़ा उसकी हो बाहों में उतर करके जुगलबंदी कर ले अपने मास्टर, अपने मालिक के साथ। भाव दशा में गहरी डुबकी लगाना, विचार दशा में जाके जाके देखते रहना और भीतर को अधिक से अधिक खाली कर लेना, खाली होने देना, तो हम इंटरफियर मत करना। तुम किसी भी थॉट के साथ आइडेंटिफाइड होते हो, इंडल्ज होते हो, वह थॉट मल्टीप्लाई होता चला जाता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ थॉट वेल नो लॉन्गर बी इन योर फेवर, और अधिक माइंड निर्मित होता चला जाता है। ये गलती दोबारा न करना, ये रेपिटेटिव स्टेट, इस सब का अतिक्रमण करना। सबसे ऊपर उठना और जागे जागे रहना, वही देखना जो हो रहा है। गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दो, अहंकार विकार भरे मन को इस ध्यान की सरिता में डूबने दो, प्यास दर दीवानगी निरंतर बढ़ती चली जाए, हार्दिक प्यास हार्दिक पुकार बने, माइंड की क्लांजिंग, मन का स्नान, अंतस का स्नान, उसकी प्यास दर दीवानगी की लहरियों में चमत्कारों का चमत्कार है, ग्लैमर ऑफ ग्लैमर है। प्यास में डूबते चले जाना, गहरी डुबकी लगाना, गहरी होके रहना, गहराई एक बार तेरा जीवन है, ओ तेरी जोस्त जो है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में,
तेरी जोस्त जो है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, न थकी मेरी निगाहें, न हटी मेरी निगाहें, तेरे रुख से जिंदगी में, न हटी मेरी निगाहें, तेरे रुख से जिंदगी में, तेरी जोस्त जो है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, तेरी जोस्त जो है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, तेरी जोस्त जो है दिल में। फूलों की ताजगी में वो नूर नहीं, तारों की रोशनी में नहीं, जो नूर तेरी चौखट पर छलकता है, जो ऑरा, जो वाइब्रेशन का आलम, जो सौंदर्य तेरी, प्यास दर्द दीवानगी का छलकता है, वह दुनिया भर की शिखरों पर नहीं, जो बात देखी तुझे में, देखी ना फिर किसी में, जो बात देखी तुझे में, देखी ना फिर किसी में, न हटी मेरी निगाहें, तेरे रुख से जिंदगी में, न
तेरी आरज़ू है दिल में, तेरी जुस्तजू है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, तेरी प्यास मेरे दिल में, तेरा दर्द मेरे दिल में। चाहतें बहुत थी, अब मैं सोचता हूँ, मेरी चाहतें बहुत थी, पर अब मैं सोचता हूँ, मेरी चाहतें एम्बिशंस कछु बनने की महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं कछु बन बन के दिखाने की, कछु बन करके जीने की, कछु बन करके दिखाने की, औरों की तरह मैं भी कछु बन बन के दिखाऊं, कोई पर्सनालिटी, कोई व्यक्तित्व जो लोग बखान कर रहे, ऐसी यूनिक पर्सनालिटी बनकर के, आई वॉन्ट टू बी ग्रेट इन लाइफ। कब? जब तक बाबा तेरा द्वार नसीब ना हुआ। तो ये दिन रात के सपने, दिन रात की कल्पनाएं में डूबा हुआ जी रहा। बड़े बड़े शिखरों की बात करने वाला, परंतु मॉर्गन रॉकफेलर कार्नेगी चाइल्ड रुथ के सपनों को, कल्पनाओं को भूल गया मैं, जो कभी पूरी ना हो सकी। मैं सिकंदर आजम अलेक्जेंडर दी ग्रेट के शिखरों को भूल गया, जो कभी भी टिक ना पाए, जिन्हें मौत छीन ले गई। मैं ना समझ पाया जूलियस सीजर के खजानों को, मैं ना जान पाया बड़े बड़े शिखर बादशाह अकबर के, मैं ना समझ पाया चार कंधों पर निकली हुई सवारी, शमशान की ओर, सिमेट्री की ओर जाती हुई ना देख पाया। क्या गजब है राजकुमार सिद्धार्थ, एक बार जो घटना देखी, बस फिर उसी की ओर जीवन की एक दर्द उठी। एक ही बार देखी, दिल को घात पहुंचा, एक बहुत बड़ी चोट पहुंची। ये सब कुछ हर एक को भोगना पड़ता है। क्या यही जन्म है? क्या यही जीवन की कीमत है? क्या क्वेश्चन गजब के उठे अपने आप के प्रति। हम रोज देखता हैं, ना जाने कितने कितने शिखरों के मालिक कैसे जा रहा है पश्चाताप के अंधेरों में। एक पल नहीं लगता कब ताकतों के मालिक, शक्तियों के मालिक, बड़े बड़े तख्तों के मालिक, दो पल में क्या हो जाता है उनका, राख की ढेर होकर के चले। परंतु फिर भी मेरी चाहतें बहुत थी, पर अब मैं सोचता हूँ।
तेरी चाह। प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बिग बॉस, बिग बॉस बनना चाहता था। मेरी चाहती बहुत थी मगर अब मैं सोचता हूँ। मेरी चाहते बहुत थी पर अब मैं सोचता हूँ। कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी में। कोई दूसरा, मेरे मालिक मेरे प्यारे प्यारे साकी, तेरे बिना कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी में। कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी, दूसरा ना आए। अब तुम तो चाहिए, तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम सामने, यही है ये महत्वाकांक्षा मेरी है, यही आकांक्षा ही प्यास है मेरी। अब सब महत्वाकांक्षाएं एक आकांक्षा में उतर गई, एक मात्र इसी एम्बिशन में उतर गई। आज तक दुनिया में किसी की एम्बिशन पूरी नहीं हुई, महत्वाकांक्षाएं फिर भी होता चला जाता है। इंसान यूं ही अपने आप को ग्रेट समझता जा रहा है, यूं ही कहता है बहुत जरूरी है, माइंड के तल पर लगता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बाहर की आउटर प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, किंतु साथ साथ इनर प्रोग्रेस की बात नहीं करता। बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विजडम दिखाता है, बड़ी प्रूडेंस दिखाता है, बड़ी बुद्धिमता दिखा रहा है, न जाने क्या कोई जिंदगी है बिना एम्बिशन के महत्वाकांक्षा के। ये कौन कहते हैं माइंड के तल पे जीने वाले, जो थोड़ा सा भी अपनी सुरती में जीता है वो यही कहते हैं, एक पुकार यही है उनकी और इसके सिवा कुछ नहीं। तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा। बड़ी ड्यूटी बजा रहा है, बड़े कर्तव्य निभा रहा है, हो पोते पोतियों तक कर्तव्य निभा रहा है, दोहते दोतियों तक, इतनी लंबी दौड़, इतनी लंबी ड्यूटी बज रही है, परंतु एक ड्यूटी नहीं बजी अपनी डिवाइन नेचर की ओर। वो कर्तव्य तो निभाए नहीं जिस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमने जन्म लिया, वह कर्तव्य तो अभी तक निभाए नहीं। हाथ से सभी सांस गुजरे चले जा रहा है और सच्चित आनंद हाथ लगा नहीं। जिस पर्पस के लिए जन्म हुआ, जीवन जोत जगाने के लिए, आत्म जोत जगाने के लिए, अपने आप को एनलाइटन करके जीने के लिए, अपने आप को टोटैलिटी में उतार करके जीने के लिए, जो कर्ताव, जो ड्यूटी, जो कर्तव्य, जो फर्ज निभाने के लिए हमें जन्म मिला, वो तो अभी काखा गा से भी शुरू ना हुआ, उसके लिए तो कदम ही ना उठा और पोते पोतियां दोते दोतियों तक ड्यूटी निभ रही है। पल भर का भरोसा नहीं और बाहर की ड्यूटीज निभाने में लगा, और जो स्वार्थ से उत्प्रोत है, कोई निष्कामता नहीं है उसमें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, वहां एक्सपेक्ट कर रहा है तू, और फिर वो ड्यूटी निभा रहा है, चाहे निष्काम भाव से भी निभा रहा है, तो एक निष्कामता की ओर अपनी ही एकमात्र
एग्जिस्टेंस की ओर, अस्तित्व की ओर, अपने जीवन की ओर क्यों नहीं निभ रहा? सर्वप्रथम वही निभना चाहिए था ना, उसको निभाने के पश्चात तेरे सारे कर्तव्य निभ जाते हैं, सारे ही निभ जाते हैं। क्या गजब पुकार उठाता है दीवाना प्यासा रिन, दुनिया माने ना माने, दुनिया जाने ना जाने, क्या लेना देना है। 8 साल लगातार लहना गुरु नानक देव के दरबार में मिटता चला गया। परिवार तो उसका भी था, वो भी लैंड लॉर्ड था, भाई लहना, भाई मंच, भाई कन्हैया, उस द्वार पर जहां नूरो नूर जीवन जगमगाता है, जहां नूरो नूर जीवन छलकता है, उस मुर्शिद के द्वार मिट गए वो। और एक यही आवाज पुकार 24 घंटे 12 मास उठाते हैं, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। क्या लुत्फ आ रहा है, क्या लुत्फ आ रहा है। बंदी को बंदगी में क्या लुत्फ आ रहा है, बंदी को बंदगी में क्या लुत्फ आ रहा है। बंदी को बंदगी में क्या लुत्फ आ रहा है, बंदी को बंदगी में। ना हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, ना हटे है प्यास, ये है रियल एम्बिशन जो फुलफिल हो जाती है। ना हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, ना हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। तेरी जोस्त जो है दिल में, तेरी आरज़ू